गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर न्यूमेरिकल मेथड्स। हमने अब तक स्टडी किया था हमारा बेसल फॉर्मूला, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्वायरिंग फॉर्मूला। देखिए जितने भी फॉर्मूले थे, चाहे वो बॉस है या बेसल है, हमारे पास दोनों ही फॉर्मूले आए थे जिसके लिए सेंट्रल डिफरेंस के लिए। मीन्स हमारे पास अगर वैल्यू किसी भी डेटा में, यानी कि जो अननोन वैल्यू हमारी लाइक करती है वो नियर लाइक करती है किसके मिड वैल्यू के, तब हम अप्लाई करते हैं कौन से डिफरेंस फॉर्मूले। अब आते हैं सबसे पहले स्क्वायरिंग फॉर्मूला। मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हम कभी क्वेश्चन आएंगे हम एग्जाम में, तो हमें फॉर्मूला मेंशन करके आएगा कि आपको किस फॉर्मूले पर अपना वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्केलिंग है, बेसल से, लाप्लास से, किस तरीके से। ठीक है, अगर स्केलिंग फॉर्मूले की बात करें तो बेसिकली हम मान के चलते हैं कि ये जो एवरेज होता है इसका गॉस बैकवर्ड और गॉस फॉरवर्ड फॉर्मूले का। हमारे पास गॉस के दो फॉर्मूले थे, एक कौन सा था, गॉस फॉरवर्ड था, और एक क्या था हमारे पास, गॉस बैकवर्ड था। इन दोनों के फॉर्मूले का अगर मैं एवरेज निकालूं तो मेरे पास जो आता है वो कौन सा फॉर्मूला आता है, स्क्वायरिंग फॉर्मूला। तो हम ये कहते हैं कि स्क्वायरिंग फॉर्मूला जो हमारे पास है वो बेसिकली एवरेज होता है इसका गॉस फॉरवर्ड एंड गॉस बैकवर्ड मेथड हमारे पास। ठीक है, आपको सिंपल फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला याद करने के लिए सबसे पहले हमारे पास हम क्या निकालेंगे, यू कैलकुलेट करेंगे, एक्स प्लस एच यू है उसके अकॉर्डिंग कर लीजिए, या फिर हम सिंपल ऐसे भी याद कर सकते हैं, जो भी हमें फाइंड आउट करना है वो किसके इक्वल होगा, y0 प्लस u डेल्टा y माइनस 1 प्लस डेल्टा y0 अपॉन 2। मीन्स हमने क्या निकालेंगे, एवरेज। ठीक है, प्लस नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, u स्क्वायर डेल स्क्वायर y माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस u u स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। साथ में आएगा हमारे पास डेल्टा 3 y माइनस 2 प्लस डेल्टा 3 y माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। देन हमारे पास जो फॉर्मूला है वो कितना आएगा, u स्क्वायर माइनस 1 डेल्टा 4 y माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस u u स्क्वायर माइनस 1 u स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर अपॉन 2। देन हमारे पास आएगा ये डेल्टा 5 y माइनस 3 प्लस डेल्टा 5 y माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 5। देखिए यहाँ पर जो कल हमने पढ़ा था उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर क्या यू है, यू के बाद क्या होगा हमारे पास, यू स्क्वायर, यानी कि फर्स्ट हमारे पास एक सिंगल वैल्यू है, उसके बाद यू, यू के बाद क्या होगा, यू स्क्वायर। अब तक जितने भी हमने किए थे वहां पे यू इंटू यू माइनस वन यू प्लस वन इस तरीके से मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ फॉर्मूले में वैरी करता है। सबसे पहले कितना आएगा यू, देन हमारे पास कितना आ गया यू स्क्वायर। अब यह यू था तो हमने यू स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, देन हमारे पास यू स्क्वायर था, फिर अगे यू स्क्वायर माइनस वन से वन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, प्लस देन हमारे पास क्या आ गया यू स्क्वायर माइनस वन, देन कितना आ जाएगा यू स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर एंड सो ऑन। नेक्स्ट जब हम यहाँ पर आएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा यू स्क्वायर माइनस वन यू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर, देन हमारे पास एक ऐसे आएगा किसका वाई माइनस थ्री का, एंड देन हम सॉल्व करके निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, और यू का फॉर्मूला वही जो हम वैल्यू निकालते हैं, एक्स माइनस थ्री अपॉन एच, एक्स वैल्यू वो थी जिसमें हमें डिटरमाइन करना होता है, ए हमारी कौन कौन सी वैल्यू, सेंटर के जिसे हम कहते हैं ओरिजिन जिसे हमने कंसिडर किया, और एच हमारे पास क्या है, इंटरवल ऑफ डिफरेंस। तो इनमें तीनों के ही केसेस में हर किसी में एच आपका रिप्रेजेंट करेगा इंटरवल ऑफ डिफरेंस को। ए हमारे पास जो ओरिजिन हमने कंसिडर किया है, जिसको ओरिजिन हमने कंसिडर करना है वो, और एक्स जिस वैल्यू का हमें क्या करना है, डिटरमाइन करना है। ठीक है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें टेबल कौन सी बना रही है, फॉरवर्ड डिफरेंस, क्योंकि हमें यूज कर रहे हैं फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो देखिए चाहे बॉस का फॉर्मूला हो, चाहे स्टेरिंग का हो, चाहे बेसल्स का हो, लॉपस, आपको हर किसी में यूज करनी है कौन सी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो हमेशा जो भी रिलेशन आएगा उसमें हमारा फर्स्ट स्टेप होता है कि हम क्या डिटरमाइन करेंगे इसकी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। एक क्वेश्चन से इसको क्लियर कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें x है एंड f x है, x की जो वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 10.23967, 11 पर वैल्यू है, 0.2860, 12 पर वैल्यू है, यानी कि हमारे पास x दिया हुआ है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग f x दिया हुआ है।
अभी किस पर डिटरमाइन करना है, किस पर डिटरमाइन करना है, 12.2 पर, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप, जब भी आपके स्टेप से क्वेश्चन आएगा, चाहे वो कोई भी फॉर्मूला है, आप सबसे पहले अप्लाई कीजिए क्या फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। तो सबसे पहले बना लेंगे अपनी कौन सी फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। चलिए फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल जब बनाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, डेल्टा वाई, देन हमारे पास कितना आएगा डेल्टा स्क्वायर वाई, और लास्ट हमारे पास आएगा डेल्टा 4 तक की वैल्यू आएगी, क्योंकि हमारे पास n माइनस 1 एग्जिस्ट करते हैं, डेल्टा 3 वाई, एंड फाइनली आएगा हमारे पास डेल्टा 4 वाई, ठीक है। चलिए इसमें इसको माइनस करते हैं, इसमें उसको माइनस कर दीजिए, कितना बचा हमारे पास 0.04093, माइनस करके देख लीजिए 10 में से 7 3, फिर माइनस 6 9, 9 में से 9 माइनस किया 0, 7 में से 3 माइनस किया कितना आ गया 4। सेम ऐसे ही यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास 0.03728, देन हमारे पास जो वैल्यू आएगी 0.03421 एंड 0.03159। तो कॉन्सेप्ट हमारा पीछे वाला है, हमने कोई न्यू कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई नहीं किया, देन इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वैल्यू किसमें आएगी नेगेटिव में, और 0.00365। और मैंने आपको एक कल भी पार्ट बताया था कि अगर आपसे कैलकुलेशन डेसिमल की नहीं हो पाती तो आप 10^10 में भी आंसर दे सकते हैं, बट जब फाइनल आंसर आएगा तो हमें 10^10 से क्या करना है, डिवाइड करना है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है 0.00307 माइनस 0.00307, नेक्स्ट हमारे पास है माइनस 0.00262, देन हमारे पास है जो दोनों का डिफरेंस आ रहा है कितना 0.00058 एंड 0.00045, और यहाँ से आएगा माइनस 0.00013, ठीक है। अब सबसे पहले हमने निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे अपना यू फॉर्मूला पुट करना है। चलिए सबसे पहले यू निकाले थे, एक्स हमारे पास कितना है 12.8, जिसका हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए नियर अप्लाई करना है, कौन अप्लाई करना है 12, तो ए कितना हो गया माइनस 12, और एच इंटरवल ऑफ डिफरेंस ही है 10 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना है 1, तो एच की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास 1। अब अगर हम यहाँ पे यू की बात करेंगे, यहाँ से यू की वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा 0, ये पोजिशन किसकी होगी माइनस 1, ये पोजिशन होगी माइनस 2, ये क्या होगी 1 2, ठीक है। चलिए सबसे पहले यू फाइंड आउट कर दें, यू इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास x माइनस a अपॉन h, x कितना हमारे पास 12.2 माइनस कितना आ गया 12 अपॉन 1, तो वैल्यू कितनी आ गई 0.2, मीन्स यू की वैल्यू हमारे पास आ गई कितना 0.2। अभी कैलकुलेट हो गया, हमारे पास डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, फोर्थ डेरिवेटिव तक एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा फॉर्मूला हमारे पास अप्लाई होगा वो भी कहाँ तक होगा हमारा फोर्थ तक, क्योंकि हमारे पास कोई भी फिफ्थ डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो नाउ माय स्टडी फॉर्मूला, अब स्टडी फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, और स्टडी फॉर्मूला अप्लाई करना है तो इतनी समय कहां पर जाना है, कितना डिफरेंस हमारे पास को, तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि हमारे पास कोई डिफरेंस नहीं होगी। अब फिर वैल्यू हमारे पास यूज नहीं होगी, तो हमें वैल्यू सब पुट करने को उसके अकॉर्डिंग करनी है। सबसे पहले बाई जीरो की बात कर लेते हैं, तो ये क्या आएगी हमारे पास बाई जीरो, बाई जीरो की बात करें हमारे पास y माइनस है, डेल्टा y माइनस है, y माइनस है का डेल्टा कौन सा होगा दिस, ठीक है। देन हमारे पास डेल्टा y जीरो हमारे पास ये इसका डेल्टा कौन सा दिस, देन हमारे पास डेल स्क्वायर वाई माइनस है, यानी कि हमारे पास डेल स्क्वायर वाई माइनस है, पोजिशन ये है तो कौन सी वैल्यू होगी दिस वन। देन हमारे पास कितना है डेल क्यू, डेल क्यू वाई माइनस वन, माइनस वन कौन सा हमारे पास ये दिस वन, एंड माइनस टू कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सी वैल्यू दिस वन, एंड डेल फोर वाई माइनस टू, y माइनस टू के डेल फोर कौन सा दिस, तो ये वैल्यूज हमारे टेबल में यूज होगी। मैंने पहले ही बताया था कि टेबल जो होती है वो इस तरीके से होती है, ये सारी वैल्यूज फर्स्ट वन की होगी, ये सारी वैल्यू सेकंड की आएंगी, थर्ड की आएंगी, ठीक। चलिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं, अब f हमें वैल्यू जो निकालनी है उसकी निकालनी 12.2 की वैल्यू 0.317 तो ये 0.317 प्लस यू की वैल्यू कितनी है 0.1, डेल्टा फॉरवर्ड डिफरेंस वाई माइनस वन ये रहा हमारे पास इसकी पोजीशन में फॉरवर्ड डिफरेंस कितना है 0.037
प्लस कितना आ गया 0.03421 और इन दोनों का हमने क्या निकाल दिया एवरेज प्लस यू स्क्वायर इज 0.2+1 डेल स्क्वायर माइनस है डेल स्क्वायर वाई माइनस है हमारे पास कौन सी वैल्यू दिस है माइनस 0.00307 अपॉन 2 फैक्टोरियल स्केल कितने आ गए 2 प्लस देन हमारे पास है यू एंड यू स्क्वायर माइनस है यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.2 और इसकी वैल्यू यू स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.04-1 अपॉन 2 इन थर्ड डिफरेंस है हमारे पास किसके क्या वैल्यू है हमारे पास 0.00058 प्लस 0.00045 अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी होगी हमारे 6 प्लस फाइनली क्या है यू यू स्क्वायर माइनस 1 यू कितना हमारा 0.2 हो गया और साथ में हमारे पास आ गया 0.04-1 अपॉन कितने इनटू डेल्टा को पाई माइनस वैल्यू कितनी हमारे पास 0.00013 अपॉन फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल में 4 की वैल्यू होगी हमारी कितनी 24 और फाइनली जब ये पूरी कैलकुलेशन कंप्लीट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारा 0.32495 यानी इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास ये फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और यही हमारा क्या होगा आंसर ठीक है तो बेसिकली हमारे पास कॉन्सेप्ट वही है सिर्फ ये देख लीजिएगा कि आपको फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है जो फॉर्मूला अप्लाई करना है पोजिशन हमें ये बताया गया और फॉरवर्ड डिफरेंस आता है किससे टॉप टू बॉटम यानी कि किस डायरेक्शन में चलते हैं तो ये जो फर्स्ट से सारी वैल्यूज है ये कौन सी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है हमारे पास माइनस टू पोजिशन की कॉरेस्पॉन्डिंग है इससे नेक्स्ट की वैल्यू सारी की सारी माइनस वन की कॉरेस्पॉन्डिंग है देन जीरो पोजिशन देन वन एंड देन ठीक है और जो हमें रिक्वायरमेंट है सबसे पहले क्या यू कैलकुलेट करना है फाइव किसी क्वेश्चन में तो यू कैलकुलेट किया हमने और फॉर्मल भी सब शुरू करके हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया तो ये हमारे पास था इसका स्टेरिक फॉर्मूला ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है लाप्लास अपग्रेड फॉर्मूला देखिए स्टेरिक फॉर्मूले को हमने ये बताया कि फॉर्मूला है हमारा बेस है किस पर गॉस फॉरवर्ड और बैकवर्ड मेथड के एवरेज ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है लाप्लास अपग्रेड बस लाप्लास में थोड़ा सा वेरिएशन आता है कि वहां हमें दो वैल्यू चाहिए होती है एक यू चाहिए होता है और एक हमारे पास उससे नेक्स्ट यू माइनस वन चाहिए होता है ठीक है तो यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस कितने फॉर्मूले में आता है कि हमें दो वैल्यू चाहिए होती है एक यू एंड एक बी कैलकुलेट करना होता है ठीक है बाकी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो हमारी रिक्वायरमेंट होगी हम उसके अकॉर्डिंग नोट करेंगे और अपना आंसर फाइंड आउट कर देंगे देखिए एवरेज फॉर्मूला में सबसे पहले हमारा क्या कैलकुलेट होगा यू और यू कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वही फॉर्मूला है जो हम अब तक यूज करते आए एवरेज फॉर्मूला भी हमारे पास एवरेज कह दीजिए या फिर लाप्लास कह दीजिए लाप्लास एवरेज फॉर्मूला ठीक है देखिए कोई चेंजेस में ऐसा कुछ नहीं है कोई बहुत डिफरेंस है कुछ नहीं है ये भी हमारे पास तभी अप्लाई होगा जब हमारे पास वैल्यू जो लाई करेगी वो मिडिल में लेफ्ट के आसपास लाई करेगी यानी कि जो वैल्यू मेरे पास मिडिल में है उसके अराउंड अगर मेरे पास वैल्यू लाई करती है देन हम अप्लाई करते हैं कौन सा लाप्लास एवरेज फॉर्मूला सबसे पहले हम यहां भी क्या कैलकुलेट करना है यू यू इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास एक्स माइनस एच अब यहां दो वैल्यू यूज होंगे हमारे एक तो क्या यूज होगा यू और एक वैल्यू यूज होगा हमारा अभी जिसकी वैल्यू होगी 1-u और हमारा जो फॉर्मूला है वो दोनों ही वैल्यूज पर बेस्ड करेगा यानी कि यू पर भी बेस्ड होगा और बी पर भी हमारा बेस्ड होगा ठीक है तो मेनली क्या यहाँ पर हमारे पास अब तक हमने जितने भी फॉर्मूला अप्लाई किए थे उनमें सब में जो अप्लाई किया था हमने क्या अप्लाई किया था यू बट यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन होगा दोनों वैल्यूज का यू का भी एंड बी का भी बी की वैल्यू कितनी 1-u मीन्स जो यू की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है उसको 1 में से माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या कैलकुलेट हो जाएगा बी एंड देन जो हमारे पास फॉर्मूला है वाई बी बाई जीरो प्लस बी बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस बी बी स्क्वायर माइनस वन बी स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 5 अब यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला और चेंज है और फॉर्मूला के चेंजेस क्या है उसे देख लेते हैं यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास बी बाई जीरो प्लस बी बी स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल स्क्वायर वाई माइनस वन प्लस बी बी स्क्वायर माइनस वन बी स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर डेल 4 वाई माइनस टू
अपॉन फैक्टोरियल पाई, ठीक है। अब तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल थ्री फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल फाइव वाला था, बट यहाँ पे ऑड आएंगे हमारे पास, ठीक है। सेकेंड डिफरेंस, यहाँ पे डेल्टा स्क्वायर यूज किया, उसके बाद हमने डेल्टा फोर यूज किया, थर्ड डिफरेंस को हमने यहाँ पर यूज नहीं किया, और यहाँ जो कॉन्सेप्ट लेना है उसका लेना है वी का कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है। यहाँ तक हमारे पास जितनी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है, प्लस देन हमारे पास क्या आएगा यू वाई, यानी कि अगर मेरे पास आगे तक डिपेंड करेगा डेटा पर, बट ज्यादा से ज्यादा नहीं बढ़ती हुई यू वाई। देखिए यहाँ वाई जीरो है और यहाँ क्या है वाई वन, मीन्स यहाँ तक आपके पास अपर वैल्यूज की भी जरूरत पड़ेगी और लोअर वैल्यूज की भी जरूरत पड़ेगी। देन हमारे पास कितना आ गया प्लस यू यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल स्क्वायर वाई जीरो एंड प्लस यू यू स्क्वायर माइनस वन यू स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल फाइव और ये होगा डेल फोर वाई माइनस वन, ठीक। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर जो हमारे पास आई है वो जो आई है वो निकल के क्या आई है, एक वैल्यूज हमारे पास जीरो से माइनस वन माइनस टू पर है और दूसरी हमारे पास जीरो वाई वन है, फिर वाई जीरो है और वाई माइनस वन है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस होता है जिसमें लाप्लास टेम्परेट फॉर्मूले में। तो यहाँ पे दो चीजें निकालनी होती है, एक तो वैल्यू कैलकुलेट करना होता है और एक हमें क्या कैलकुलेट करना होता है वी कैलकुलेट करना होता है, और वी की जो वैल्यू होती है वो किसके इक्वल होती है वन माइनस यू के इक्वल। कॉन्सेप्ट वही है, हम अप्लाई करें कॉन्सेप्ट है फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसको लिस्ट, देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास एक्स और एफ एक्स और एक हमारे पास एफ एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास वन वन पॉइंट वन वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री और एफ एक्स की वैल्यू है वन वन पॉइंट जीरो फोर नाइन वन पॉइंट जीरो नाइन सिक्स वन पॉइंट वन फोर जीरो। सबसे पहले आपसे बोला है हमें निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू वन पॉइंट वन वन, यानी कि इसमें मुझे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। चलिए मैंने पहले ही बताया था कि जितने भी क्वेश्चन है हमारे सारे डिपेंड होंगे किस पे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल पे। तो सबसे पहले फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल में नाम था इसके, तो सबसे पहले हमारे पास क्या निकलेगा डेल्टा एफ एक्स, डेल्टा एफ एक्स बचेगा वो हमारे पास कितना होगा जीरो पॉइंट जीरो फोर नाइन, देन हमारे पास बचेगा जीरो पॉइंट जीरो फोर सेवन एंड देन जीरो पॉइंट जीरो फोर फोर, देन हमें क्या निकालना है सेकेंड सेकेंड डिफरेंस जब हम निकालेंगे तो वो अगेन दोनों का डिफरेंस तो वैल्यू कितनी आगे माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो टू एंड देन आगे माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो थ्री एंड देन हमें निकालना है थर्ड डिफरेंस और थर्ड डिफरेंस की जो वैल्यू है वो कितनी आगे माइनस जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन, ठीक है, सॉरी जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन, ठीक। हमारे पास जो टेबल थी उसके अकॉर्डिंग हमने सारी वैल्यूज अपनी फाइंड आउट कर ली, हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं U का फॉर्मूला क्या है, प्लस U इक्वल्स टू x माइनस a अपॉन h 1.15 आपके पास वैल्यू है, ठीक है। तो 1.15 हमारे पास दो वैल्यूज के बीच में लाई जाती है जिसमें 1.1 के पास थी और 1.2 के पास थी, तो बेसिकली हमने किसको लिया 1.1 को जीरो ले लिया, तो मींस इसको हमने ओरिजिन कंसीडर किया तो ये वैल्यू कितनी होगी माइनस टू ये वन और ये कितना आ गया हमारे पास टू, ठीक है। अब ये हमारे पास कुछ जरा यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। चलिए यू इक्वल्स टू एक्स कितना मेरे पास 1.15, एक्स है मेरे पास 1.15, ये मैंने लिया 1.1 और एच मेरे पास कितना 0.1, इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारे पास कितना 0.1, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर लेंगे 1.15 माइनस 1 अपॉन 0.1 और यहाँ से जब माइनस करेंगे इसको तो हमारे पास जो वैल्यू से निकल के आएंगे वो कितनी आ जाएगी हमारे पास 1.1 आएगी, तो यहां से हमारे पास आएंगे 0.5 यू की वैल्यू, ठीक है। जब यू की वैल्यू 0.5 आ गई तो अब सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे बी बी इक्वल्स टू कितना आएगा, तो बी इक्वल्स टू कितना होगा 1 माइनस यू इक्वल्स टू 1 माइनस 0.5, तो बी की वैल्यू भी कितनी आ गई 0.5, तो यू भी हमारे पास 0.5 है यहाँ पर और बी भी हमारे पास कितना है 0.5। चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं वाई जीरो, वाई जीरो कौन सी वैल्यू होगी हमारे पास दिस वन, पहले बीटी को पार्ट में देते थे डेल स्क्वायर वाई माइनस वन, वाई माइनस वन लिया इसका डेल स्क्वायर यूज करना है, डेल्टा यूज नहीं करना है इसका, डेल स्क्वायर जो हमें यूज करना है तो वो कौन सा है दिस वन, ठीक है।
अभी हम बी के लिए बात देखो हमारा नहीं है अगर बिफोर द डेरिवेटिव हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है किसी का भी हमारा जो फॉर्मूला है वो कहां तक है कब तो ये जो टर्म है ये अभी हमारे पास कैलकुलेट हो जाएगी एंड सिमिलरली नीचे से ये वाली टर्म भी हमारी क्या हो जाएगी एलिमिनेट हो जाएगी ठीक है तो हमारे पास फॉर्मूला बचा वो क्या बचा वी बाय जीरो प्लस वी पी स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री एंड प्लस कितना बचेगा यू बाई वन प्लस यू यू स्क्वायर माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल स्क्वायर बाय जीरो अब अपनी सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल देते हैं ऐसे ठीक है तो जब सारी वैल्यूज हम पुट करेंगे तो बी कितना हमारे पास 0.5 ठीक है और वाई जीरो कितना है 1. तो 0.5 इंटू 1.0 493 आ गया प्लस 0.5 इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा 0.25 माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितना आ गया 6 डेल स्क्वायर बाय माइनस वन वैल्यू कितनी आ जाएगा माइनस 0.00 प्लस यू की वैल्यू कितनी 0.5 अब वाई वन की बात करें ये हमारे पास वन पोजीशन है तो वाई वन कौन सा होगा दिस वन 1.096 ठीक है प्लस यू यू स्क्वायर माइनस वन तो सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा हमारे पास यू स्क्वायर माइनस वन में हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो यही आ गया कितना आ गया यू कितना है 0.25 माइनस वन अपॉन कैलकुलेटर से डेल स्क्वायर निकालना है बाई जीरो का बाई जीरो इसका यहाँ पर एफ एक्स डेल्टा एक्स वैल्यू कितने माइनस ट्रिपल जीरो थ्री तो हमारे पास आ गया माइनस ट्रिपल 0.003 ठीक है इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो फाइनली जब मेरे साथ आंसर निकल के आएगा तो वो आ जाएगा 0.27 और ये हमारे रिजल्ट आंसर होगा ठीक है तो बस इसमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है हमारे पास दो वैल्यू चीज होती है एक बी और एक यू डिपेंड करेगा कि क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास दूसरी चीज जिसमें जितने भी और डेरिवेटिव है वो हमारे यूज नहीं होते हैं हमारे यूज होते हैं इवन डेरिवेटिव ठीक है अब जितने भी आपके पास थे चाहे वो न्यूटन का बैकवर्ड था फॉरवर्ड था हमने पढ़ा लैग्रेंजेस हमने पढ़ा ठीक है देन हमारे पास सेपरेट डिफरेंस फॉर्मूले आ गए हमारे पास अब हमारे पास जो आते हैं बेसिकली जब हमारे पास इक्वल इंटरवल की बात करें इक्वल इंटरपोलेशन में हमने दो चीज पढ़ी है फॉरवर्ड बैकवर्ड एंड सेपरेट डिफरेंस तीनों ही पार्ट हमारे कंप्लीट होते हैं इसके अलावा हमारे पास कोई और फॉर्मूला इसमें एग्जिस्ट नहीं होता है ठीक है और जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपको अपना सॉल्यूशन देना है ठीक है ऐसा नहीं होता इसमें कि कोई भी क्वेश्चन आपको मेंशन करके ना आए बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये सारा का सारा कोई यूनिट जो है कम्प्लीटली यूनिट जो है टोटली फॉर्मूले पर बेस्ड है और एनी वैसे भी कम्प्लीट हमारा फॉर्मूले पर ही बेस्ड है तो आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और फॉर्मूले लर्न होने के बाद ही आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए ठीक है इन क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिएगा और ट्राई करने के बाद जो भी कोई प्रॉब्लम हो उसको डिस्कस कर लीजिएगा ठीक है बट फॉर्मूले लर्न करके एक बार ट्राई जरूर कर लीजिएगा ओके थैंक यू स्टूडेंट्स